ग्रामर एकता जिंदाबाद, ग्रामर एकता जिंदाबाद, काय कलून वापस लो, वापस लो, काय कलून वापस लो, काय कलून वापस लो, मोदी सरकार वापस, मोदी सरकार जिंदाबाद। ड्राइवरों के खिलाफ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जब संसद में काला कानून के बारे में बताया, जो ड्राइवर इसे काला कानून मान रहे हैं, आपको बता दें कि लगातार इसकी घोर निंदा कर रहे हैं। और ड्राइवर ने चेता दिया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को बैकआउट करेंगे, भाजपा को सबक सिखाएंगे, इस तरह की बातें ड्राइवर कर रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है, जहां दरभंगा के NH-57 पर जगह जगह चक्का जाम है और पूरे देश भर में इसका असर देखने को मिल रहा है। विभिन्न राज्यों में पेट्रोल खत्म हो गया है, सब्जियां खत्म हो गई है, दूध का सप्लाई बंद है। ऐसे में ड्राइवरों का जो मांग है वो लोग कहीं ना कहीं जायज बता रहे हैं, क्योंकि ड्राइवर जो दिन रात काम करते हैं, अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, ऐसे में उनको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जो जुर्माना का जो बताया जा रहा है, ये काफी निंदनीय है, ऐसा लोगों का कहना है। आपको बता दें कि कुछ ड्राइवर से हमने बात किया, वो सुनाएंगे, लेकिन ये काफी बड़ा एक मैसेज आ रहा है कि देश के जो गृह मंत्री के जो का जो बयान था, उसके बाद कहीं ना कहीं एक मैसेज अब ये आ रहा है कि अब ये कानून जो है नहीं लगा हुआ है, नहीं लागू हुआ है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया है तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज दिनांक 2 जनवरी 2024 विस्तृत चर्चा की गई है। सरकार यह बताना चाहती है कि नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट जाएं, और जो भी ऑपरेटर हैं उन वो लगातार मांग कर रहे हैं कि इस काला कानून को वापस लिया जाए। विशेष कवरेज देखिए, इंटरव्यू सुनाते हैं, सभी लोगों तक शेयर करिए, सभी ड्राइवरों को न्याय मिलना चाहिए। आप लोग आज सड़क जाम किए हुए हैं और हड़ताल किए हुए हैं, हम बार बार यही बात कर रहे हैं, ये जो कानून बनाया है ना, इसको ड्राइवरों को इसकी जरूरत नहीं है। अगर सरकार कुछ देना चाहती है ना, तो ये कानून वापस ले। इस कानून से ड्राइवर को कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, इसमें ड्राइवर का नुकसान ही नुकसान है। कहाँ से आए हैं आप? हम पंजाब से आए हैं, मेरे को गुवाहाटी जाना है। पहले भी एक रात में यूपी में रुक कर आए हैं, वहाँ भी हड़ताल हुआ था, अभी ये रात के वक्त खड़ा है, पूरे ऑल इंडिया में हड़ताल है। अगर ये सरकार कानून वापस नहीं लेते तो हमारी को गाड़ी छोड़ के दिल्ली में जाकर धरना लगाना पड़े तो लगाएंगे, ये हमारा आखिरी गाँव है। ने कभी कोई मांगा ही नहीं है, अब हमने तो हड़ताल अपने लिए आज अब करी है 70 साल में। अरे मोदी कुछ तो शर्म करो, कुछ तो दो हमारे को, हमारे को ये कानून वापस लेके हमारे को कोई गिफ्ट देते जिसमें हम आपका धन्यवाद करते। हमारे को तो कोई 70 साल में हमने तो कभी हड़ताल करी नहीं। हमारे हड़ताल में हम रोकी जरूर है, पब्लिक ने रोका है हमारे को अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए। ड्राइवर तो अब जागा है, और ये ड्राइवर जो 70 साल से सोया पड़ा था, अब ये ड्राइवर जाग चुका है और अब ये सोने वाला नहीं है, और ये आंदोलन पूरी एकता से करेगा, और ये ड्राइवर को कानून है ये वापस ले ले मोदी सरकार, इसी में ही सब अच्छा है, और हम आपका इसके तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम बिहार नहीं जी, क्या बोलिएगा आप? ट्रक एसोसिएशन के द्वारा हड़ताल किया गया, कानून निकाला जाए, कानून ड्राइवरों का, इसमें ना तो लाइसेंस की जरूरत है, लाइसेंस ही फेल कर दिया, जो पैसा लगा रखा लाइसेंस में, जो ट्रेनिंग दी है, परेशान रहा ड्राइवर लाइसेंस बनवाने के लिए, ये कानून निकाल दिया के 10 साल की सजा, 7 लाख जुर्माना। अभी अब 7 लाख कहाँ से देगा ड्राइवर? 10,000-8,000 कमाने वाला ड्राइवर ये 7 लाख कहाँ से पैदा कर देगा? अगर इसके पास 7 लाख होते कोई और बिजनेस ना कर लेता है, क्यों गाड़ी चलाता, क्यों रोड पर घूमता रात दिन? ये जो रात दिन पूरी रात घूमता, पूरे दिन घूमता है, 24-24 घंटे चलाते हैं गाड़ी, और फिर ये जाम में ऐसा दुखी कर रखा, इसीलिए आंदोलन हो रहा है। ट्रक में क्या कानून वापसी होना चाहिए? ट्रक में क्या सब सामान है? दवाई है, कोरियर है, इसका टाइम चलता है, दिल्ली से हमें गुवाहाटी के लिए 48 घंटे। और उसके ट्रक में क्या सब सामान सब जैसे चल रहा है अभी? हाँ, सामान जैसे किसी में लोड है वैसे ही वो, अब टाइम के मुताबिक खराब भी होगा वो, तो जैसे किसी को लोगों को घाटा तो होना ही होना,
ये तो होगा ही। अभी कहाँ पे आप लोग, किस जिला में? दरभंगा पुल के ऊपर रेलवे ब्रिज।